हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 की। इसके पहले के वीडियोस में हमने क्या देखा था, इसके पहले के वीडियोस में हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर को कवर किया था, साथ ही साथ हमने 1.2 के अंदर अप्लाई होने वाले सारे कॉन्सेप्ट को भी हमने वहां पर डिटेल में समझने की कोशिश की थी। तो आज इसके वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सम सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, लॉजिक क्या था, सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, आपका प्रेजेंट वर्थ क्या है, ठीक है। यानी हमें यहां पर क्या निकालने बोला है सर, आपको यहां पर निकालने बोला है व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ। तो प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करने बोला है ऑफ सम ऑफ 10,920, मतलब सम ऑफ 10,920, मतलब कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो सर आपको यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है सम ड्यू, और इस सम ड्यू को क्या हम एसडी लिख सकते हैं? यस सर, हम लिख सकते हैं। तो इसका 10,920 हमारा क्या हो गया, सम ड्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके आगे ड्यू 6 मंथ्स, अब यहां पर ड्यूरेशन कितना बोला है सर, ड्यूरेशन बोला है 6 मंथ, तो ड्यूरेशन को हम लोग एन लिखते हैं कि आर लिखते हैं? यस एन लिखते हैं, 6 मंथ्स का ड्यूरेशन बोला है। तो 6 मंथ्स का मतलब होता है 6/12, तो कैन वी से 1/2? यस सर, आप 1/2 कह सकते हैं। उसके साथ हेंस एट 8% पर एनम, 8%, तो यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 8% दिया है, क्लियर। तो सबसे पहले हमको पता है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहां पर ट्रू डिस्काउंट, क्या निकालेंगे हम लोग, ट्रू डिस्काउंट। सर ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला था प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट का, सॉरी प्रेजेंट वर्थ निकालने के लिए हम लोग ट्रू डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर। तो सर क्या हम लोग प्रेजेंट वर्थ को एक्स कंसिडर कर सकते हैं? यस बेटा, आप एक्स कंसिडर कर सकते हो। तो यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं फ्रॉम द टॉप मोस्ट कि हमारा लेट प्रेजेंट वर्थ बी रुपीज एक्स, ठीक है। ये सेंटेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट वर्थ को क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक्स रुपीज कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें सम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले माय डियर, हमें ट्रू डिस्काउंट दिया है क्या? नहीं सर, नहीं दिया है। प्रेजेंट वर्थ को एक्स लिया, यस सर। एन कितना है, 1/2। आर कितना है, 8 अपॉन में 100। चलो सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस सर, एक्स ऐसे ही रहेगा। यस, 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4। तो सबसे ऊपर बचा 4/100। यस बेटा, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 4/100। यस सर, हम लोग कह सकते हैं। तो हमारा ट्रू डिस्काउंट कितना आ गया, 4/100। ना बेटा, हमारा सम ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सम ड्यू, या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, सम ड्यू का फॉर्मूला, सम ड्यू, ठीक है, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो सम ड्यू हमको कितना दिया, 10,920 दिया था। यस सर, प्रेजेंट वर्थ हमको एक्स कंसिडर करना था, और ट्रू डिस्काउंट हमने क्या कंसिडर किया, 4x/100, 4x/100। तो दिक्कत, सम ड्यू क्वेश्चन में क्या दिया था, 10,920, प्रेजेंट वर्थ हमने एक्स कंसिडर किया, ट्रू डिस्काउंट हमने कितना निकाला, 4x/100। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज यहाँ पे अपॉन में 1 है, 100 का मल्टीप्लाइड 1 से करो, तो 100 1 100x प्लस 4 1 4x, तो 4x आ गया, अपॉन 100 1 100। सो कैन वी से 10,920 इज इक्वल टू 104x/100। यस सर, आप कह सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करो, x मैंने ऐसे रखा, 10,920 इंटू 104 ऊपर है, तो बेटा साइड चेंज करो तो कहाँ आएगा, नीचे, और 100 नीचे का कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ कैंसिलेशन करना है बेटा, आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, कैंसिलेशन करना है। तो कैंसिलेशन करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं,
नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि आप कैंसिलेशन करने से डरते हो। कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे हम लोग करने की। कैसे करोगे? कैंसिलेशन करना है, पहले टू टू से कैंसिल होती है, यानी आपको जैसा कैंसिलेशन जमता है आप करो, चाहे टू के टेबल से करो, चाहे आप 104 का टेबल ड्रॉ करके करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो कैंसिलेशन वाला सिंपल वाला पार्ट तो आपको समझ में आना ही चाहिए। तो हम 104 को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, करोगे जो भी कैंसिल करके हमारा आंसर आएगा 10,500। तो आपको यहाँ पर लास्ट में सेंटेंस लिखना पड़ेगा, द प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ विल, या प्रेजेंट वर्थ इज रुपीज 10,500 रुपीज। ठीक है, तो आपके आपका प्रेजेंट वर्थ क्या हो गया? 10,500 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन करते जाओगे, मेरे साथ करते जाओगे, समझ समझ के करते जाओगे, तो आपको यहाँ पर दिक्कत आने वाली नहीं है। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है देखो, वॉट इज द सम ऑफ 8,000 रुपीज, वॉट इज द सम ऑफ 8,000 रुपीज। तो 8,000 रुपए का सम ड्यू, यहाँ पे देखो वॉट इज द सम ड्यू, यानी अब हमें क्या निकालने बोला है सर? सर आपको यहाँ पर निकालने बोला है सम ड्यू, ठीक है, ऑफ 8,000। 8,000 रुपए का सम ड्यू क्या होगा? ड्यू 4 months, हेंस द 12.5% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब हमें यहाँ पर सम ड्यू निकालने के लिए कहा गया है, हमें यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला गया है? सम ड्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो सम ड्यू को मैं एक्स कंसिडर कर सकता हूँ? यस सर, आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट द सम ड्यू इज एक्स। अब 8,000 रुपया मेरा क्या है? तो सर ये अगर आपको सम ड्यू निकालना है तो ये 8,000 रुपया आपका हो जाएगा प्रेजेंट वर्थ। तो प्रेजेंट वर्थ हो गया मेरा 1,000। 4 months, तो नंबर ऑफ पीरियड हो गया 4 months। तो क्या 4 months को मैं ईयर में कन्वर्ट करूँ? यस, 4 by 12, तो कैन यू से 1/3? यस सर। परसेंटेज आर, आर कितना बोला बेटा? या छोटा आर लिख सकते हैं, तो लिखो 12.5% को अपन 100 लिखते हैं। बेटा अगर 0 हटाना तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर, नीचे भी, तो आप आएगा 125 ऊपर, नीचे आएगा 1000। मैंने आर का सिंपल करके पॉइंट वाला पार्ट हटा दिया। अब बेटा आपको सम ड्यू निकालना है, आपको क्या निकालना है? सम ड्यू निकालना है। सम ड्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो सबसे पहले आप ट्रू डिस्काउंट निकालो। यस सर, प्रेजेंट वर्थ इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ? 8,000। आपका एन कितना है? 1/3। आपका आर कितना है? 125 अपॉन 1000। तो अगर 125 अपॉन 1000 लिखते हो तो आपको नीचे 100 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने उसका पॉइंट रिड्यूस कर दिया ना, हटा दिया। तो आप देखो 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, तो आपका बचता क्या है? 8 × 1/3 × 125। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है? सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या सॉल्व करना है सर? अभी आपको यहाँ पर हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कैसे सॉल्व करोगे? 125 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो, डिवाइडेड बाय 3। 125 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो आपको क्या आंसर मिलेगा मेरे को बताओ। तो जो भी आंसर मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रू डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ट्रू डिस्काउंट, ठीक है, ट्रू डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करने का कैसे है? 125 का 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो साइड बाय साइड, 125 मल्टीप्लाइड बाय 8। 8 × 5 = 40, कैरी 4, 8 × 2 = 16 + 4 = 20, कैरी 2, 8 × 1 = 8 + 2 = 10। ठीक है, तो 1000 / 3, तो कैन वी से 3333.33 विल बी योर ट्रेड ट्रू डिस्काउंट? यस सर, आप कह सकते हो। अब मुझे क्या निकालने बोला था? सम ड्यू निकालने बोला था। तो सम ड्यू का फॉर्मूला प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। व्हाट इज माय प्रेजेंट वर्थ? 8,000। ट्रू डिस्काउंट 333.33। तो क्या मैं अपने सम ड्यू को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 8,333.33 पैसा। यस सर, आप लिख सकते हो। ठीक है, समझा नहीं समझा? क्या करना है? सबसे सिंपल, सबसे पहले हमको जो जो डिटेल्स आपको दी है ना बेटा, पहले जो डिटेल्स दी आपको उसको लिखना है, और वो डिटेल्स लिखने के बाद आपको क्या निकालना है? ट्रू डिस्काउंट। और ट्रू डिस्काउंट निकालने के बाद आप क्या निकालोगे? सम ड्यू निकालने वाले हो। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ऑफ, अब आपको यहां पर क्या निकालने बोला है, ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 months एंड 12% इज 560, यानी आपको ट्रू डिस्काउंट दिया है, ट्रू डिस्काउंट ऑन सम यानी आपके सम के ऊपर आपका जितना भी सम है उसका 8 महीने का 12% के हिसाब से 560 रुपये आपका ट्रू डिस्काउंट होता है, यानी आपको यहां पर ट्रू डिस्काउंट दिया है हाउ मच, 560 रुपीज। आपका नंबर ऑफ टाइम पीरियड कितना दिया है, 8 months, तो इफ वी कन्वर्ट इनटू 12 सो आंसर आपका आएगा 2/3, 4 2 4 3 4, और 12% बोला है तो कैन वी से 12% पॉइंट नहीं है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने ट्रू डिस्काउंट दिया, तो ट्रू डिस्काउंट के फॉर्मूला से शुरू करते हैं, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, व्हाट इज द ट्रू डिस्काउंट सर 560, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ सर क्वेश्चन में प्रेजेंट वर्थ दिया ही नहीं है, तो क्या हम लोग प्रेजेंट वर्थ को, क्या हम लोग प्रेजेंट वर्थ को एक्स कंसिडर कर सकते हैं, यस, तो लेट द प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू एक्स, तो मैं यहां पर प्रेजेंट वर्थ को एक्स कंसिडर कर रहा हूं, इंटू एन कितना है 2/3 और आर कितना है 12/ में 100। चलो अभी और सॉल्व करते हैं, 560, अभी देखो 560 का मल्टीप्लाइड 100 के साथ करो तो इंटू 100 हो जाएगा, यस, एक्स इंटू 3 1 3 4 4 2 8 हो गया तुम्हारा सिंपल सा सम, तो 560 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एक्स, तो बेटा एक्स का वैल्यू कितना आया बताओ मेरे को, बोलो एक्स का वैल्यू कितना आया सर, 8 1 8 8 7 56, तो 70 इंटू 100, तो क्या हम लोग 7000 बोल सकते हैं, यस सर, ये 7000 आपका क्या है सर, ये 7000 है मेरा प्रेजेंट वर्थ, तो मेरा प्रेजेंट वर्थ कितना हो गया बेटा 7000 रुपीज। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द सम ड्यू आल्सो एंड प्रेजेंट वर्थ, तो प्रेजेंट वर्थ भी निकालना है सम ड्यू भी, तो सम ड्यू के लिए फॉर्मूला लगा दो, क्या निकालना है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, प्रेजेंट वर्थ 7000, ट्रू डिस्काउंट 560, तो इफ यू एड 7560 विल बी योर सम ड्यू, अंडरस्टूड, यस सर। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट सम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आपको आराम से प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा हो जाएगा, क्या बोलते हैं देखो, द ट्रू डिस्काउंट ऑन सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू, मतलब क्या बोलता है कि आपका जो ट्रू डिस्काउंट है ना वो सम ड्यू का 3/8 हिस्सा है, मतलब 3/8 हिस्सा है, क्या बोलता है कि आपका ट्रू डिस्काउंट आपके सम ड्यू का, आपके सम ड्यू का 3/8 पार्ट है, सिंपल। तो क्या आपको यहां पर सम ड्यू पता है, नहीं पता है, और यहां पर 12% बोला तो आर का वैल्यू आपका 12% हो गया, यस सर। आपको क्या निकालने बोला है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द बिल, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द बिल, सबसे पहले सम ड्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, आपके पास प्रेजेंट वर्थ है क्या, नहीं सर, आपके पास ट्रू डिस्काउंट है, यस सर, क्या था 3/8 इंटू सम ड्यू है ना, और सम ड्यू एज इट इज। अब क्या करो, मान लो आपको, चलो सिंपल करने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मान लो सम ड्यू को मैंने एक्स कंसिडर किया, सो एक्स इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस 3/8x, 3/8 को यहां पर लाकर क्या करोगे, माइनस, तो यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस, तो एक्स माइनस 3/8x इज इक्वल टू पी डब्ल्यू, सो बेटा x तो सेम हो गया, यस सर, तो यहां पर कुछ नहीं तो बनते, 8 1 8 8 3 5, तो कैन वी से पी डब्ल्यू मेरा 5/8 आ गया, तो मेरा प्रेजेंट वर्थ कितना आ गया 5/8, कोई दिक्कत, प्रेजेंट वर्थ कितना आ गया मेरा 5/8x, तो क्या मैं ट्रू डिस्काउंट निकाल सकता हूं, यस सर, ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला आपने बताया था पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, तो बेटा ट्रू डिस्काउंट दिया है क्या, यस सर, ट्रू डिस्काउंट दिया है, कितना दिया है आपने सर, स्टार्टिंग में बता दिया 3/8, तो 3/8x इज इक्वल टू
पीडब्ल्यू कितना बताया सर आपने, 5/8x इंटू नंबर ऑफ टाइम पीरियड दिया क्या, नहीं, आर दिया क्या 12/100। चलो अभी क्या करने का, 3/8 इंटू 100 करने का, क्योंकि नीचे 100 डिनोमिनेटर में तो ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/8x इंटू एन इंटू 12। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सो 3 × 300x/8 इंटू 5/8 का हो जाएगा 8/5 और x भी नीचे चला जाएगा और 12 मल्टीप्लाइड में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/12। समझ में आ रही बात, 3/8x तो यहाँ पे 3x था उसके आज 100, तो 3 × 300x/8 फिर 5/8 का उल्टा करो 8/5 और 5x था तो 5x नीचे चला जाएगा 12 तो 12 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/12 मतलब 12/1 तो उल्टा करो 1/12। सो बेटा n का वैल्यू कितना, तो अभी कैंसिलेशन करो 8 से कैंसिल, x से कैंसिल, ठीक है 5 × 5 = 5, 5 × 6 = 30 तो 60 आ गया 12 × 5 = इसका मतलब n का वैल्यू कितना गया मेरा 5। अच्छा सर फ्रैक्शन में आया है क्या, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 5 years, हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 5 years हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको यहाँ पर पॉज करना है, वो सारी चीजें नोट डाउन करके लेनी है जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ, या आप जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा उस चैप्टर का जो भी सॉल्यूशन वाला पार्ट रहेगा मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां से भी आप कर सकते हो। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो 20 कॉपीज, अभी आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज कितना बोला है, 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेज फॉर अ सर्टेन सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 months एंड 21 कॉपीज सम रेडी कैश। मतलब अगर मैं 20 कॉपी खरीदता हूँ और इस 20 कॉपी को मैं 6 महीने बाद देने का नक्की करता हूँ तो मुझे एक पे अमाउंट पे करना पड़ेगा, और 21 कॉपी अगर मैं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कैश में, तो आपको बताना है कि दोनों के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या घपला है, यानी दोनों के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका कॉस्ट ऑफ बुक क्या है, लेट कॉस्ट ऑफ बुक, आपके बुक का कॉस्ट क्या है, तो मान लेते हैं आपके बुक का कॉस्ट है ₹x। नेक्स्ट क्या बोलता है, आपके 20 बुक का कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स, तो सर कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स मतलब 20 × x, तो इसका मतलब 20x आ गया, यस। अब क्या बोलता है कि अगर मैं 20 बुक लेता हूं तो उस 6 महीने के बाद जितना पैसा पे करूंगा ना उतने में 21 किताबें आ जाएगी। अरे मतलब 20 किताबें मैं ले रहा हूं उसको मैं आज ले रहा हूं, 6 महीने बाद 12% के हिसाब से या जो भी परसेंटेज के हिसाब से मैं अमाउंट पे करूंगा उतने में तो 21 किताबें आ जाएगी। मतलब आज 20 किताब है लेकिन 6 महीने बाद में जब पैसा देने जाऊंगा तो उसमें एक किताब और आ सकती है, तो इसका मतलब यहाँ पर 20x जो है वो 6 months के लिए, ये जो 20x की हम लोग बात कर रहे हैं वो कितने मंथ्स के लिए हो जाएगा बेटा, फॉर 6 months। और उसके लिए अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपने को निकालना है, क्या रेट से वो अपने को पता करना है। अब बेटा अपने को करना क्या है, अपने को सिंपल सिंपल बता करना है कि एक बुक का कॉस्ट क्या आएगा। तो बेटा सबसे पहले x इज इक्वल टू 20 इंटू 6 months बोला बेटा, क्या बोला 6 months, तो 1/2x बोल सकते हैं क्या, नहीं सर आप वापस पूरा डिटेल में बताओ आपका प्रेजेंट, ठीक है ध्यान से देखो बेटा आपका सर आपका यहां पर ट्रू डिस्काउंट क्या है, ट्रू डिस्काउंट कैसे निकालना है, आपका प्रेजेंट वर्थ क्या है 20x, सर वापस से बताओ आपका प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, यही चीज सर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रू डिस्काउंट मतलब आज 20 दे रहा हूं फ्यूचर में 21, तो एक बुक का कॉस्ट एक्स्ट्रा दे रहा हूं तो उसको मैं एक्स कंसिडर करूंगा। अरे बेटा समझना बेटा, फिर बोल रहा हूं आज मैं 20 किताब ले आऊ उधारी पर, तो 6 महीने बाद में अगर 6 महीने में जितना पैसा दे रहा हूं ना उतने में एक किताब एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो 20 और 21 दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है एक, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्स, यानी उतने में एक किताब आ जाएगी। पीडब्ल्यू
दैट इज 20x, नंबर ऑफ इयर्स 6/12, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन अपॉन 100। क्या कैंसिलेशन हो रहा है? यस सर, हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कैसे करोगे? देखो, 6 1 6 2 2 10, तो कैन बी से एक्स इज इक्वल टू 10x इंटू आर अपॉन 100। तो बेटा क्या करो, आर ऐसे लिखो, एक्स 100 ऊपर लेके गया, 10x को नीचे ले जाओ, नीचे ये ऊपर गया और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, एक्स का 10, जैसा यहां पर रेट ऑफ कितना 10%, ठीक है आया? तो आप उम्मीद करोगे आपको इसको दिक्कत नहीं आएगी और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर 10% आ जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 देखा 1.2 का, जहां पर हमने प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ बेसिक कम क्वेश्चंस को करने की कोशिश की थी। अगले पार्ट पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।